हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे कि अगर हमारी दुकान में कोई खरीदार आता है जिसने आज तक अमेज़ॉन पे खरीदारी नहीं करी, ठीक है। ये ऐसा खरीदार है जिसके लिए हमें पहली बार अमेज़ॉन पे अकाउंट बनाना है। ये इनका इनकी आवश्यकता ये भी है कि इनको बेचने से, राइट, इनको ऐड करने से, इनका अकाउंट बना के इनकी खरीदारी करने में मदद करने से हमें अलग से और कमाई होती है, ठीक है। तो मान लीजिए कि नया कस्टमर आया है, तो यहाँ पर ये न्यू कस्टमर के लिए स्टार्ट हेयर का ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ क्लिक करेंगे, या तो अगर मान लीजिए आप यहाँ नहीं क्लिक करते हैं, आप यहाँ पर साइन इन पे भी क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन है कि नया, अगर आप नए हैं अमेजोन पे तो इस पे क्लिक करिए, तो फिर आप एक नया अमेजोन का अकाउंट बना पाएंगे, ठीक है। वापस वही पेज आए, यहाँ पर आपका जो भी ग्राहक है, मान लीजिए कि ग्राहक का नाम है, राम सेठी, ठीक है, उनका मोबाइल नंबर है, ठीक है। अगर तो उनके पास ईमेल आईडी है तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, ठीक है। फिर उनका जो भी आपके पास पासवर्ड, जिसके साथ वो कंफर्टेबल है, उनसे पूछ लीजिए। मिनिमम 6 शब्दों का या डिजिट्स का होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए कि आपने रख दिया 6 डिजिट्स का, या जो भी उन्होंने कहा वो पासवर्ड रखा। उसके बाद यहाँ पर मेंशन है नीचे कि एक टेक्स्ट आएगा उनके मोबाइल पे वेरीफाई करने के लिए, जो कि जनरली ओटीपी होता है, वन टाइम पासवर्ड, ठीक है। मान लीजिए हमने किया यहाँ पर कंटिन्यू, यहाँ पर अब जो ओटीपी आया है उनके मोबाइल पे वो अगर हम डालते हैं और क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट करते हैं, तो फिर उनका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। और उसके बाद अगर हम उनकी खरीदारी सक्सेसफुली कराते हैं 300 रुपये के ऊपर की, तो उसके लिए हमें एक न्यू कस्टमर बाउंटी मिलता है। शुक्रिया दोस्तों, बस यही था आज के सेशन में। थैंक यू।